ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास के अंतर्गत हम 20 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भाग 21 का। ध्यान देना, भाग 20 तक हमने अध्ययन किया मॉन्टेगू घोषणा, मॉन्टेगू चेंजफोर्ड सुधार अधिनियम, गांधी युग, चंपारण व खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अवश्य देख लें। आज प्रारंभ करते हैं भाग 21 को। यदि आप प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की नियमित तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब प्रारंभ करते हैं आज का भाग 21। ध्यान देना, भारत में श्रमिक आंदोलन, इससे आगे आज हमारा टॉपिक है भारत में श्रमिक आंदोलन। देश की पहली मजदूर हड़ताल जो हुई वह एक्सप्रेस मिल नागपुर में हुई, ध्यान देना, और यह 1877 ईस्वी में हुई। भारत का पहला जो श्रमिक संघ है वो यदि बना तो वो था बंबई मिल हेड एसोसिएशन। ये 1884 ईस्वी में बना और इसके संस्थापक थे M.M. लोखंडे। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो ऐतिहासिक दृष्टया महत्वपूर्ण भी हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। संघ का अखबार था दीन बंधु, जो कि मराठी भाषा में निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यदि हम बात करें तो ये जनेवा में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत स्थित है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। भारत में ILO के प्रतिनिधि M.N. जोशी थे। भारत का जो पहला आधुनिक श्रमिक संघ बना वो था मद्रास श्रमिक संघ, और इसकी स्थापना की थी B.P. वाडिया ने। ध्यान देना, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका गठन 1920 ईस्वी में किया गया और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो थे लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन एक्ट जो पारित किया गया वो 1926 में पारित किया गया और इसको पारित करवाने में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा, प्रयास रहा, वो था बीपी वाडिया का। 1926-27 में, ध्यान देना, 1926-27 में AITUC, ध्यान देना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया। एक में जेनेवा एम्स्टर्डम गुट अर्थात सुधारवादी और दूसरा था मास्को गुट अर्थात क्रांतिकारी। 1929 में AITUC अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फिर विभाजन हुआ और वो भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन एक संगठन बना इसके विभाजन के बाद, और उसके स्थापक थे M.N. जोशी। ध्यान देना, M.N. जोशी के बारे में, ये भारत में श्रम संगठन जो बना था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उसके प्रतिनिधि भी थे। अब बात करते हैं मजदूरों के हड़ताल की। मजदूर हड़ताल की बात करें तो मजदूरों की हड़ताल की जांच हेतु अंग्रेज सरकार ने एक कमीशन गठित किया और वो था हिटले कमीशन। हिटले कमीशन सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित मजदूर जो संघ था वो था हिंद मजदूर सेवक संघ, और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1947 में सरदार पटेल द्वारा की गई थी। अब हम थोड़ा इससे अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं, वो है नरेंद्र मंडल की, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है। नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 में की गई। इसके स्थापक ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसमें भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया गया और इसमें कुल 121 भारतीय राजाओं को सम्मिलित किया गया। इसके अध्यक्ष थे वायसराय, भारत के जो तात्कालिक वायसराय थे उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया, और इसके पहले चांसलर बनाए गए महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर से थे, और ये चूंकि यह एक सलाहकारी संस्था थी, एडवाइजरी इंस्टीट्यूट के रूप में काम करती थी ये तो, और इसको जो अधिकार थे वो एडवाइजरी ही अधिकार थे, इसको ये थे कि भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार इनको नहीं दिया गया। ध्यान देना, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, केवल एक सलाहकारी संस्था थी। इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के भारत आगमन पर उनके द्वारा किया गया। इसके नाम रखने वाले थे महाराजा जयसिंह अलवर वाले, और इसका कार्य था भारतीय राजाओं की मांग पर विचार करना। ध्यान देना, भारतीय राजा जो विचार करते थे उनकी, भारतीय राजाओं की मांगों पर विचार करना ही इसका प्रमुख कार्य था।
अब बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना दिसंबर 1922 या जनवरी 1923, ये दोनों डेट आ जाती, फिर भी आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन के लिए बता देते हैं कि ये दिसंबर 1922 को थोड़ा सही माने, बाकी डेट आज ये दोनों ही आ जाती हैं। इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ज्यादातर इससे यही पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने की। स्थापना का कारण था कांग्रेस द्वारा विधान परिषद चुनावों का बहिष्कार करना। मोतीलाल नेहरू, ध्यान देना इसमें, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास की मान्यता थी कि चुनाव में हिस्सा लेकर सरकारी नीतियों का विरोध किया जा सकता है। स्वराज पार्टी को विधानमंडल चुनाव जो 1923 में हुए उनमें सफलता भी प्राप्त हुई। स्वराजों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो थी कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया, और ये चुना गए विट्ठल भाई पटेल। ध्यान देना, ये इनकी स्वराजों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही और इनका चुनाव 1925 में किया गया। चितरंजन दास की मृत्यु बाद में जून 1925 में हो गई, इसके बाद ये स्वराज पार्टी थोड़ा कमजोर पड़ती चली गई। अब बात कर लेते बटलर कमेटी की। बटलर कमेटी की स्थापना 1927 में सर हरकोर्ट बटलर द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार व भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को फिर से स्थापित करना या परिभाषित करना। स्थापित करने की मांग की थी भारतीय राजाओं ने। समिति का नाम था इंडियन स्टेट कमेटी। ध्यान देने, इसका दूसरा नाम था इंडियन स्टेट्स कमेटी। चूंकि बटलर कमेटी तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष हरकोर्ट बटलर थे, वास्तव में इसका नाम था इंडियन स्टेट्स कमेटी। अब बात कर लेते बारदोली सत्याग्रह की। बारदोली सत्याग्रह 1928 में प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। बाद में इसको जो सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। सत्याग्रह का कारण जो था वो ये था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा लगान की दर बढ़ा करके 20 से 25% कर दी गई। बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो यही हुई कि इसके दौरान पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, और ये प्रदान करने वाले कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में बारदोली की महिलाएं थी जिन्होंने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। अब बात कर लेते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन गठित करने का उद्देश्य था 1919 भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना। कमीशन गठित हुआ 8 नवंबर 1927 को, और इसके सदस्य सात थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो था जॉन साइमन को, और उस समय तात्कालिक जो वायस राय थे भारत में वो थे लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल था 1926 से 1931। उस समय तात्कालिक भारत सचिव थे जिसे भारत मंत्री भी कहा जाता था, लॉर्ड बर्किन हेड। कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार किया। मद्रास अधिवेशन दिसंबर जो 1927 में आयोजित हुआ था, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, उसमें कांग्रेस ने इसका बहिष्कार भी किया। उस समय मद्रास जो अधिवेशन 1927 था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। कमीशन बंबई पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। इसके अलावा कमीशन के जो अन्य नाम से जाने जा सकते हैं वो है व्हाइट मैन कमीशन या इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन। कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में प्रकाशित हुई। कमीशन को 2 वर्ष पूर्व गठित करने वाली पार्टी थी अनुदार पार्टी। इसका कारण ये था, ध्यान देना, 1930 में गठित होने वाली पार्टी 1928 में इसलिए गठित हुई, इसका कारण यही था कि आगामी चुनाव में जीत की आशा नहीं थी। ध्यान देना, अनुदार पार्टी ने गठित की थी क्योंकि उसको लग रहा था कि इंग्लैंड में जो आगामी चुनाव हो गए उनमें उनकी सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए उनको इसे 2 वर्ष पूरी गठित कर दिया। अनुदार पार्टी चाहती थी कि भारत का भविष्य वो स्वयं लिखें, इसलिए उन्होंने इसे 2 वर्ष पूर्व गठित कर दिया। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट का जो मुख्य कारण था वो था ब्रिटिश संसद में भारतीयों को सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती। चुनौती देने वाले थे तात्कालिक भारत सचिव या भारत मंत्री लॉर्ड बर्किन हेड। कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन जिसमें 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया वो 10 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बंबई में आयोजित किया गया, जिसमें इस चुनौती को स्वीकार भी किया गया। समिति की रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुई और ये लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में तात्कालिक जो लक्ष्य माना गया वो था प्रादेशिक स्वायत्तता, था डोमिनियन स्टेट्स या औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था। अब बात कर लेते हैं जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग की। जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला था। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना, जिन्होंने 14 मांगे प्रस्तुत की थी, और उसका कारण था नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करना। ध्यान देना, जस्ट इससे पहले जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी उसको अस्वीकार करना ही ये जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला था। ये
जिन्ना फार्मूला जो था ये 14 मांगे प्रस्तुत की गई सितंबर 1929 को। अब बात कर लेते दीपावली घोषणा की। दीपावली घोषणा ध्यान देना, यह 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन जो कि तात्कालिक भारतीय वायसराय थे उनके द्वारा की गई। यह घोषणा ब्रिटिश पीएम की तरफ से भारत के अंतर्गत भारतीय वायसराय ने, यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो कि लेबर पार्टी के थे उसकी तरफ से उन्होंने ये घोषणा की थी। घोषणा का सब्जेक्ट विषय था कि भारत को औपनिवेशिक दर्जा प्रदान किया जाएगा, अर्थात भारत को उपनिवेशन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब बात कर लेते पूर्ण स्वराज पार्टी की। पूर्ण स्वराज प्राप्ति जो थी उसका अर्थ था कि हमें केवल डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, हमें तो एक स्वतंत्र राज्य चाहिए। और इसका प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को पारित किया गया। कांग्रेस ने तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर फहरा दिया और देश में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। प्रत्येक वर्ष इसी दिन को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय भी इसी दिन लिया गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बनता है। और प्रारंभ करने का निर्णय लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन को, अर्थात इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी प्रारंभ किया गया। अब बात कर लेते हैं इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा जो थी वो साबरमती आश्रम दांडी से प्रारंभ की गई और ये तिथि थी 12 मार्च 1930। उस समय 78 अनुयायियों ने इनका साथ दिया था और दांडी गांधी जी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को। समुद्र के पानी से नमक मनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को की गई। ध्यान देना ये कुल यात्रा 24 दिन की रही थी। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया, इसीलिए उन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ध्यान देना इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाया गया और इनके द्वारा लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन भी चलाया गया जो काफी चर्चित रहा है। 13 वर्षीय नागा महिला जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा समर्थन किया वो थी रानी गिडालू। इसको टिक कर लेना भाई, ये थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने ही गिडालू को रानी की उपाधि दी थी, ये भी थोड़ा इससे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है। नियत्ते आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया तो उस समय गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही जो पेशावर थे उन्होंने नियत्ते सिपाहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आज के भाग इस 21 में इतना ही, भाग 22 में हम पढ़ेंगे इससे इम्पोर्टेंट बहुत कुछ आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, गांधी इरविन समझौते के बारे में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से भी प्रारंभ किया गया, सांप्रदायिक पंचांट, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आदि कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए नियमित तैयारी तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।